फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि दराज की रिटर्न आईडी। जब आप किसी भी TCS या दराज शॉप पर जाते हैं तो स्टॉक रिटर्न करने के लिए अपना, तो वो आपसे रिटर्न आईडी मांगते हैं। वो रिटर्न आईडी क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो से पहले बनाई हुई है कैसे आप दराज में स्टॉक रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो आपकी रिटर्न आईडी होती है, ठीक है। अक्सर ने मुझसे इसमें सवाल भी पूछा है कि इसकी रिटर्न आईडी कैसे पता चलेगी, या हमसे दराज शॉप या TCS वाले मांगते हैं रिटर्न आईडी, उसमें क्या देना होता है। तो उसमें रिटर्न आईडी के लिए आपने सबसे पहले जाना है अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंट्स में जाके देखें माय रिटर्न्स का ऑप्शन जो सा आया हुआ, माय रिटर्न्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे आपका माय रिटर्न ऑप्शन खुल जाएगा, ये देखें मैंने ये सब चीज़ें रिटर्न के लिए की हुई, ये देखें रिफंड हो चुकी है ग्लास। अब ये जो सा मोटो मोटोरोला G6 ओरिजिनल टेम्पल ग्लास है, तो ये मैंने रिटर्न किया हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है। आपको जानना हो कि कैसे रिटर्न करते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया, कि आप बआसानी वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। उसके बाद आपको रिटर्न आईडी का कोई इशू हो तो जब आप रिटर्न कर देंगे एप्लीकेशन से फ़र्स्ट, फिर उसके बाद जब दराज शॉप पर जाएँगे तो यही एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है और रिटर्न रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। रिटर्न रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो ये RA कोड NA जो आईडी लिखी हुई है आपकी, ये आपकी है रिटर्न आईडी। आपने रिटर्न आईडी, ये आईडी आपने दराज शॉप को देनी है या TCS शॉप को। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें कि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट बआसानी मिल सके।